सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं PDF भी देता हूं, फुल PDF भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना ABStudy10, ABStudy10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी से आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, NDA के लिए बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो अपने घर पे बैठे हुए। आपको करना क्या होगा, आपको इनरोल करना होगा अनअकैडमी प्लस में, या फिर आप लाइव जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप अनअकैडमी प्लस में इनरोल करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो मिल जाएंगी। ये है लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। उसके बाद अनलिमिटेड एसेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एडुकेटर्स आपको जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल जो कि PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, और साथ ही साथ आपका मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी दिया जाएगा। यहां पे अगर आप मेरे कोड से ज्वाइन करते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा, कोड है ABStudy10 और आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। यहां पे बैचेज जो है इंडियन एयरफोर्स NDA के लिए स्टार्ट हो चुकी है। NDA की जो ये बैच है वो वज्र बैच है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक चलने वाली है। साथ ही जो कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप नेवी के लिए बैच कोर्स है वो भी 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 अप्रैल को खत्म होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जैसे ही ऐप को आप ओपन करोगे तो ऐसा गेट सब्सक्रिप्शन का ये इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप कौन सा लेना चाहते हो। उसके बाद आपको यहां पे कोड डालना होगा ABStudy10। अगर आप पहले ही स्पेशल क्लास देख लोगे कोड डाल करके तो आपका ऑलरेडी यहां पे फिलअप आएगा, ऐसे देख सकते हो ABStudy10। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना, आपको 10% का डिस्काउंट उसी टाइम पे मिल जाएगा। यहां पे और भी लाइक क्विज भी आप लगा सकते हो, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 25 नंबर तक किया था, 15 क्वेश्चन ईच पार्ट, अभी हम 76 से करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शंस भी है, तो आप सबसे पहले अपना आंसर सोच लेना ऑप्शंस में से, उसके बाद ही देखना कि मैं क्या आंसर बताता हूं। और उसके बाद वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट में लिखना अपना जो स्कोर होगा, ऑनेस्टली लिखना, झूठ मत बोलना, साथ ही साथ आपका नाम क्या है और आप कहां से हो ये जरूर लिख देना। नाम नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप कहां से हो ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर कोई सवाल हो, सजेशन हो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मैं बीच में कोई सवाल पूछूं आप लोगों से तो उसका भी जवाब कोशिश करना लिखने का कमेंट सेक्शन में ही। चलिए पहला क्वेश्चन यानी 76 नंबर है, AM का पूर्ण रूप क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM, एंटी मेरिडियन, एंटी मूवमेंट, आफ्टर मेरिडियन और एडजेसेंट मेरिडियन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर ए यानी एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन होता है इसका मतलब, अब इसके बारे में देखिए, एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन सुना होगा दोनों आपने, ये AM है इसका मतलब, और प्राइम मेरिडियन ये दोनों समय की माप के लिए, समय सीमा के लिए ये निर्धारित किया गया है और इससे समय का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर 12 AM हो रहे हैं दैट मीन्स कि रात के 12 बज रहे हैं, और अगर 12 PM हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिन के यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं। यही होता है दोनों में डिफरेंस, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 11:59 तक AM होता है, और दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 23:00 यानी 11:59 तक आपका क्या होता है, PM होता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र व लेखा कौन बनाता है, हु मेक्स मैप्स एंड अकाउंट्स, रेडियोग्राफर, कार्टोग्राफर, सिस्मोग्राफर और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्टोग्राफर बोलते हैं जो लोग मानचित्र तैयार करते हैं, ठीक है, मानचित्र के लिए कार्टोग्राफर बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं मानचित्र कला को, क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। तो ये कार्टोग्राफर बोला जाता है जो भी लोग मानचित्र व लेखा तैयार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम 78 नंबर की ओर। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था,
हु इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप, रेनेलिनेक, डेनियल फारेनहाइट, गुटेनबर्ग और कंफ्यूशियस। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेनेलिनेक। रेनेलिनेक ने ये इसका आविष्कार किया था स्टेथोस्कोप का। रेनेलिनेक इन्वेंटेड दी स्टेथोस्कोप। अच्छा, ये फ्रांस के थे रेनेलिनेक, और इन्होंने 1916 में इसका आविष्कार किया था। 1916 में रेनेलिनेक ने, जो कि फ्रांस के थे, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना स्टेथोस्कोप को आप लोग समझते हो या फिर नहीं समझते हो। आई होप कि आप लोग समझते होंगे स्टेथोस्कोप किसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर है कि पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया। हु डिड दी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोंटजेन, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड और एरिस्टोटल। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और ये साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका के थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने 3 दिसंबर 1967 में ये कारनामा किया था, यानी प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीकन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये किया था। कहां पे? ग्रूट स्कूर हॉस्पिटल केप टाउन। ग्रूट स्कूर हॉस्पिटल केप टाउन, जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी भी है, वहां पे किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इस हॉस्पिटल में। ग्रूट स्कूर हॉस्पिटल हॉस्पिटल का नाम था। 3 दिसंबर 1967 को किया था। 80 नंबर है, किसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। हु इज नोन फॉर द नर्मदा बचाओ आंदोलन। पार्वती देवी, मेधा पाटकर, रमाबाई और गौरा देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेधा पाटकर को जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। नर्मदा नदी के बचाव के लिए आंदोलन शुरुआत की थी मेधा पाटकर ने, तो उन्हें ही नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। और ये शुरुआत हुई थी 1989 में ये हुआ था आंदोलन। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित कहानी जो कुछ शिक्षा देती है उसे कहते हैं। द स्टोरी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्रिएचर्स कॉल्ड दैट। सिमिल, एपिक, लघु काव्य, शॉर्ट पोएट्री, फेबल। राइट आंसर इसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आपने पहले से वीडियोस को फॉलो किया होगा तो इसका राइट आंसर आप इजीली दे दोगे, अगर नहीं किया होगा तो नहीं दे पाओगे। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पहले से जुड़े हुए, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं कई बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर नेशनल रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल रिजर्व यानी बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 874.2 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर। 874.2 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर रिजर्व। बायोस्फेयर रिजर्व को हिंदी में जीव मंडल रिजर्व बोलते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसका नाम क्या है? नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व। क्या है? नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है वो 874.2 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फेयर रिजर्व बनाता है, और उसका नाम है नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 83 नंबर, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में
शुरू किया. इन व्हाट वे डिड गांधी जी लॉन्च दी सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919. ऑप्शंस हैं रॉलेट एक्ट, नमक कानून 1919 के एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रॉलेट एक्ट. जैसा कि भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट लगाया गया था और उसी टाइम पे महात्मा गांधी ने ये जो 1919 में सत्याग्रह आंदोलन है इसी के विरोध में किया था. आगे बढ़ते हैं 84 नंबर. किस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं? विच रिवर इज कॉल्ड दी साउदर्न गंगा? कावेरी, गोदावरी, पनगंगा और नर्मदा. राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी. गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है. इसका जो उद्गम है यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो है वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है और इसका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में. बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है. इसका टोटल लेंथ यानी लंबाई है 1465 किलोमीटर. 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की. ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की. तो गाइस 85 नंबर है. भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विच इज दी टॉलेस्ट डैम इन इंडिया? राणा प्रताप सागर, भांगड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड. राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा. हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीहरी. टीहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा, लंबा नहीं पूछा जा रहा है. लंबा अगर पूछा जाता तो हम यहाँ पे लेंथ में सबसे लंबा बांध हमारा हीराकुंड है, लेकिन यहाँ पे ऊंचा पूछा जा रहा है तो टीहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है. ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के टीहरी जिले में, इसलिए इसका टीहरी बांध नाम है. और इसकी जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है, जिसे अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 855 फीट होता है. कितनी ऊंचाई है? 261 मीटर. और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, याद रखिएगा उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर अवस्थित है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86 नंबर की ओर. भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? Which state of India is organizing rural Olympic every year? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरियाणा. भारत का हरियाणा राज्य ग्रामीण ओलंपिक्स का प्रत्येक वर्ष आयोजन करता है अपने राज्य में. 87 नंबर है. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? What is the position of India in terms of area? पांचवा, चौथा, सातवां और तीसरा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सातवां. भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी इन द टर्म्स ऑफ एरिया सातवां पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में. और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से यानी जनसंख्या के टर्म में पूछा जाए, पॉपुलेशन के टर्म में पूछा जाए, तो टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का पोजीशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर का है. पहले नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर इंडिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. और इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत सातवें नंबर पर है. पहले नंबर पर रसिया है. पहले नंबर पर कौन है? रूस यानी रसिया पहले नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया. और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन चाइना फर्स्ट पोजिशन पे आता है. आगे बढ़ते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस व्हाट इज लिटरेसी रेट इन इंडिया? 73.8%, 71.06% और 77.18%. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 74.8% के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है. अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.8%. अगर इसमें हम बात करें पुरुष और महिला यानी मेन और विमेन के लिए, तो मेन के लिए है टोटल 82.14% और विमेन के लिए यानी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 65.46%. ये 2011 की जनगणना के अनुसार है. ठीक है, 89 नंबर.
भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 23, 25, 21 और 26। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 25। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं भारत में अभी वर्तमान में, और सबसे नया जो अभी सबसे लास्ट में बना है वो आंध्र प्रदेश में बना है 25वां हाई कोर्ट यानी 25वां उच्च न्यायालय। 90 नंबर है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? वेयर इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप और चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बड़ा निकोबार, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम बोलते हैं वो, उसे ही हम भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार, निकोबार के ग्रेट निकोबार में लक्ष्मी नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये ओपन हुआ था 30 अप्रैल 1972 में, 30 अप्रैल 1972 में इसे ओपन किया गया था। ठीक है, ये है, इसके लिए अभी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंदिरा गांधी के नाम पे है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज में 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो इसे देखने के बाद जरूर जाके देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ये है इंस्टा आईडी, ये है टेलीग्राम आईडी, अगर आपका मन हो तो आप जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज़।